कहानी भारत के इतिहास में हुए सबसे बड़े नरसंहार की, या यूं कहें उस नरसंहार की जिसने पूरे विश्व में अंग्रेज हुकूमत का सर झुका दिया। तेरह अप्रैल 1919 देश में आजादी की लहर दौड़ रही थी और इस लहर को रोकने के लिए अंग्रेज हुकूमत नए नए कानून ला रही थी। ऐसा ही एक कानून था रॉलेट एक्ट, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित एक कानून, जिसे ब्रिटेन सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी ने व्यापक हड़ताल सत्याग्रह का आह्वान किया। 10 अप्रैल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अंग्रेज हुकूमत ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ भाषण देने के जुर्म में गिरफ्तार किया। दोनों ही नेताओं की पंजाब में काफी लोकप्रियता थी और दोनों नेताओं को जेल से छुड़ाने के लिए 12 अप्रैल 1919 की शाम इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा हिंदू कॉलेज अमृतसर में एक बैठक रखी गई, जहां गिरफ्तार हुए नेता सैफुद्दीन के सहयोगी हंसराज ने घोषणा की कि 13 अप्रैल को शाम 4:30 बजे सत्यपाल और सैफुद्दीन की रिहाई और रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सार्वजनिक विरोध बैठक जलियांवाला बाग में आयोजित की जाएगी। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बागीचा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार। स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए श्रद्धालु गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, जब उन्हें यह बात पता चली कि आज जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन है, तो लोग वहां इकट्ठा होने लगे। बाग में ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा था। जैसे ही अंग्रेज हुकूमत को पता चला कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, ब्रिगेडियर जनरल डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता था, जिसे ब्रिटिश सरकार के सैनिकों ने बंद कर दिया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए और देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। इस नरसंहार में 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। आज इस घटना को 100 साल हो गए हैं, पर अब तक ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी। हाँ, आलोचनाएं कई बार की है। आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी कुर्बानी जलियांवाला बाग का दर्द आज भी हमें दिखाई देता है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भगत सिंह एक बच्चा था जब कांड ये हुआ, इस हादसे ने उसमें आक्रोश भर दिया। शहीद कुआ आज भी गवाही दे रहा, क्या क्या न जुल्म देश के सपूतों ने सहा। गांधी जवाहर शास्त्री, गांधी जवाहर शास्त्री, अंबेडकर का देश कल भी महान था, रहेगा आगे भी विशेष। वीरों का जोश मुल्क की बुनियाद रहेगी।